सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इतने दिनों से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल की जो डिमांड चल रही थी, उस डिमांड के ऊपर सीबीएसई ने अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़ दी है। सीबीएसई ने अपनी तरफ से आंसर दे दिया बच्चों को। सीबीएसई का कहना है कि हम बोर्ड एग्जाम ऑन टाइम करवाएंगे, बच्चों के लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट करवाएंगे, हम बच्चों को इस बात की अश्योरेंस देते हैं और गारंटी देते हैं कि हम बच्चों की लाइफ में कोई खतरा नहीं होने देंगे। ये बात खुद सीबीएसई के बड़े एग्जाम कंट्रोलर, सीनियर एग्जाम कंट्रोलर ने बोली है। कल प्रेस से बात करते टाइम उन्होंने ये बड़ी बात बोली थी। ये न्यूज़ आपको डीएनए मतलब इंडिया टीवी पर, न्यूज़ 18 पर, आज कोई भी वेबसाइट पर चले जाओ वहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। सीबीएसई ने अपनी तरफ से आंसर कर दिया है बोर्ड एग्जाम कैंसिल के ऊपर। सीबीएसई का मानना है कि हम ऑन टाइम बोर्ड एग्जाम करवाएंगे, बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाई जाएगी और बच्चों के ऊपर कोई खतरा नहीं होने देगी। बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है और बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, ऐसा कहते हुए सीबीएसई के जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने अपनी बात को सभी प्रेस वालों के सामने रखा। अब बच्चों का क्या मानना है, पेरेंट्स का क्या मानना है, वो बच्चे अपने कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई का तो अब कोई प्लान है नहीं बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। तो जब तक बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी मैक्सिमम बच्चे ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम ऑन टाइम हो, लेकिन बच्चों को सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले। तो अगर बच्चों को सिक्योरिटी मिलती है तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सही डिसीजन होगा सीबीएसई का। सीबीएसई ने वैसे तो पहले बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए थे मतलब लास्ट ईयर, लेकिन उस टाइम कई सारे बोर्ड एग्जाम हो गए थे इसलिए बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया था और एवरेज बेसिस पे मार्क्स दे दिया। लेकिन इस बार उल्टा है, अभी तक बोर्ड एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुए, इसलिए सीबीएसई को बोर्ड एग्जाम कैंसिल करवाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर देता है तो फिर बच्चों को नंबर किस बेसिस पे मिलेगी, तो इसी की वजह से बच्चों के मन में और सीबीएसई के मन में ये क्वेश्चन है। इसलिए मेरे को कम चांस लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बता सकते हो, और जो सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर ने बात बोली वो आपको सही लगती है गलत कर लगती है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।